तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हो गेमिंग इन इन्फो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। सो आज काफ़ी दिनों बाद हम लोग MSTS का गेम प्ले लेकर आ चुके हैं वापस आपके लिए। और इस बार हम जो रूट चला रहे हैं वो है साउथर्न रेलवेज का V2 का Phase 4, जो कि अभी अभी बीटा वर्जन में लॉन्च हुआ है। और जो हम ट्रेन चला रहे हैं वो है ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस। और अभी जो हम खड़े हैं वो है डिंडीगुल रेलवे स्टेशन के आउटर के ऊपर, जहाँ हमें रेड सिग्नल दिया गया है। और हमारी ट्रेन को जो है वाटवा लोको शेड के ट्विन्स एल्को लोकोमोटिव दिए गए हैं, जो कि बहुत बड़ा ऑफलिंक है इस ट्रेन के लिए। नॉर्मली ये ट्रेन को इरोड या फिर GOC का WDP 4D या WDM 3A लगता है। तो पता नहीं, इस बार उधर से ही ओखा से ही दिया गया है ऐसे। वाटवा ट्विन्स आए हैं और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं डिंडीगुल रेलवे स्टेशन के आउटर पर हम सिग्नल का। और जो मेन लाइन जाती है वहाँ से, ये जंक्शन है इसलिए हम वहाँ पर, आप लोग देख सकते हो ग्रीन सिग्नल था, तो शायद कोई ट्रेन आने वाली होगी इसलिए हमें यहाँ वेट करा रहे हैं। तो जैसे ही वो ट्रेन चली जाएगी शायद हमें यहाँ से सिग्नल दे दिया जाएगा। तो देखते हैं वो ट्रेन कब तक आती है। और देख सकते होंगे हमारा लोकोमोटिव यहाँ पर वाटवा का 111127 लोको नंबर है, जो हमारा आगे है। और यहाँ पर हमें सिग्नल मिल चुका है, इसका मतलब ये है कि सामने से कोई ट्रेन नहीं आ रही है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ से। हॉर्न हमने बजा दिया है, तो धीरे धीरे हम यहाँ से निकलते हैं और डिंडीगुल रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर अराइवल लेते हैं। और हम जो लाइन पर आ रहे हैं वो शायद डीजल लाइन है, क्योंकि यहाँ पर पोल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। और सामने जो लाइन आ रही है वो पता नहीं कहाँ से आ रही है। अगर आप लोग ये साइड से अगर कोई व्यूअर है हमारा, तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि ये लाइन कहाँ से आती है स्टेशन पर। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डेपो भी है, देख सकते होंगे आप लोग। और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा रूट काफ़ी खाली खाली है वो साइड, तो वो इसलिए है कि ये रूट अभी बीटा वर्जन में लॉन्च हुआ है। अभी ये रूट का एनवायरनमेंट सीनरी पूरा डालना बाकी है, तो इस रूट को ऐसे ही मत जज कीजिए। अभी रूट में काफ़ी कुछ आना बाकी है। और ये रूट के जो ओनर है वो है कार्तिक अय्यर जी, जिनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, तो वहाँ जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं उनका चैनल भी। ये हमारे ट्विन्स एल्को लोकोमोटिव जो कि अराइवल ले रहे हैं। ऊपर से एक रोड ब्रिज जा रहा है जो कि काफ़ी मस्त लग रहा है। और यहाँ पर हमें लोक लाइन दी गई है, पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं हम डिंडीगुल रेलवे स्टेशन के। और यहाँ पर देख सकते होंगे सीनरी पूरा खाली है फ़िलहाल, क्योंकि ये बीटा वर्जन में लॉन्च हुआ है, मैं एक और बार आपको बता देता हूँ। और अगर आप लोग को इसका Phase 3 डाउनलोड करते हैं तो आपको उसमें फुल डिटेल्ड सीनरी मिल जाएगी। लेकिन ये जो नया सेक्शन ऐड हुआ है डिंडीगुल से रामेश्वरम का, वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको, अगर ये रूट आपको डाउनलोड करना है तो कार्तिक अय्यर जी का वेबसाइट है IRMSTS, तो वहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाएगा। और एक्टिविटी जो है ओखा रामेश्वरम की, वो आपको trainsim.com पर मिल जाएगी। और यहाँ पर देख सकते होंगे डिंडीगुल रेलवे स्टेशन हम लोग आ चुके हैं Platform No. 4 पर। काफ़ी डिटेल्स स्टेशन का एनवायरनमेंट दिया गया है, आप लोग देख सकते होंगे कोच इंडिकेटर से लेकर पब्लिक वगैरह काफ़ी मस्त डिटेलिंग में दी गई है। तो आप लोग सोच लीजिए, स्टेशन डिटेलिंग ऐसी है तो रूट की सीनरी जब अपडेट आएगी तब कैसी होगी। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसका फुल वर्जन लॉन्च जब होगा, तब एक और बार हम इस रूट पे गेम प्ले बनाएंगे ज़रूर से। और देख सकते होंगे कितना मस्त सीनरी है यहाँ पर, ये स्टेशन का बोल रहा हूँ एनवायरनमेंट। ट्रैक्स वगैरह भी फुली अच्छे से डिटेल्ड बनाया है, आप लोग देख सकते होंगे। और सामने कोई गुड्स ट्रेन का ट्रैक है और हमारी ट्रेन आ चुकी है यहाँ पर स्टेशन में, तो हमने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए हैं, तो हमारी ट्रेन यहीं रुक जाएगी।
रुक गई। तो देखते हैं हमें यहाँ पर जो अराइवल टाइम था हमारा 2:55 दोपहर में, और हम लोग ऑन टाइम अराइवल ले चुके हैं 2:55 को, सिर्फ 40 सेकंड के डिले से आए हैं। और हमारा 3 बजे डिपार्चर है यहाँ से, तो 5 मिनट का हॉल्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं, शायद वहाँ पर ग्रीन सिग्नल था तो कोई ट्रेन हमें देखने को मिले। यार ये स्टेशन को कोई ट्रेन स्किप तो नहीं मारती है, तो भी पता नहीं। तो सामने से कोई ट्रेन आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है। लोकोमोटिव कौन सा है अभी इतनी दूर से समझ तो नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को दिख गया है और समझ में आ गया है कौन सा लोको है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सा लोकोमोटिव है उस ट्रेन के साथ। अब नज़दीक आने के बाद मत बोलिएगा, यहीं से बता दीजिए, फिर देखते हैं आपका राइट है या रॉन्ग। और यहाँ पर डिंडीगुल रेलवे स्टेशन पर हमारा वेट कर रहे हैं हम लोग सिग्नल का, देखते हैं हमें सिग्नल कब तक मिलेगा। और ये GOC का एल्को लोकोमोटिव है जो कि WDM-3A है। कोई ट्रेन के साथ आ रहा है, अब वो नज़दीक आएगी तब पता चलेगा कि ट्रेन कौन सी है, LHB-ICF कौन सी। तो जी बिल्कुल, ये GOC का ही लोकोमोटिव है, अब क्लियरली दिख रहा है कि ये GOC है। और एल्को लोकोमोटिव है GOC के जो कि ट्विंस लगे हुए हैं, एक नहीं दो दो लोकोमोटिव है GOC के, ये देख सकते होंगे आप। 16674 लोको नंबर है लोकोमोटिव का, देख सकते होंगे आप लोग, जो कि गुड्स ट्रेन के BCNL वैगन्स के साथ आ रहे हैं यहाँ पर। और देख सकते होंगे आप लोग स्क्रीन पर हमारी ट्रेन को जो है सिग्नल दे दिया गया है। वैसे तो अभी भी 1.5 मिनट का हॉल्ट बाकी है, पता नहीं ऐसा क्यों किया गया, हमें बिफोर टाइम सिग्नल दे दिया गया। लेकिन फिर भी हम थोड़ा वेट करते हैं और निकलते हैं, क्योंकि हम तो ड्राइवर हैं, सिग्नल मिल गया तो हम निकल जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से अब चलना चालू करते हैं, क्योंकि आगे शायद हमें डिले देखने को मिले। तो हमने ब्रेक्स वगैरह तो रिलीज़ कर दिए हैं, तो देखते हैं लोकोमोटिव फॉरवर्ड में है या नहीं। फॉरवर्ड में तो है, चलिए हम अब यहाँ से डिपार्ट करते हैं। हॉर्न हमने बजा दिया है, तो हमारी ट्रेन ने यहाँ चलना चालू कर दिया, आप लोग देख सकते होंगे। डिंडीगुल रेलवे स्टेशन को बाय करने का समय आ गया, और हमारा जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो मदुराई रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ से 1 घंटा है अभी, और 63 किलोमीटर दूर है, मतलब 63.6 किलोमीटर। और एकदम रियल डिस्टेंस बेस के ऊपर ये रूट बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इसमें कट किया गया हो, एकदम बिल्कुल रियल डिस्टेंस, जो भी स्टेशन के बीच में भी एकदम रियल डिस्टेंस है ये रूट, बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि किलोमीटर्स में कम ज़्यादा हो, एकदम रियल डिस्टेंस और रियल टाइमिंग के हिसाब से एक्टिविटी भी बनाई गई है, और रियल ट्रैफिक के हिसाब से भी, जो रियल लाइफ में ट्रेन के साथ ट्रैफिक मिलता है वही। ये देख सकते होंगे गुड्स ट्रेन, शायद उसी के लिए ग्रीन सिग्नल था। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं, डिंडीगुल रेलवे स्टेशन है ये। यार ये साइड के नाम थोड़े बोलने में दिक्कत होती है, तो अगर कुछ गलत बोल दूँ तो माफ़ी चाहूँगा। और इसके बाद जो हमारा मदुराई रेलवे स्टेशन है हॉल्ट, तो वहाँ जाना है हमें, देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं इस पार्ट में हम लोग। तकरीबन एक्ट को मैं पूरा खेलने का ट्राई करूँगा, और शायद इस वीडियो में तो पॉसिबल है ही नहीं, आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ये वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का बनाएंगे, क्योंकि मदुराई तक पहुंच सके तो ठीक है, नहीं तो उसको भी पार्ट टू में कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ से अब थोड़ा थ्रॉटल देते हैं हमारी ट्रेन को और स्पीड बढ़ा लेते हैं, तो आप लोग थोड़ा इसका एक्सेलरेशन और स्पीड अप होने तक ट्रैक साउंड वगैरह सुनिए,
मैं मिलता हूँ आपको थोड़ा सा ट्रैक साउंड वगैरह बढ़ने के बाद। आप लोग देख सकते होंगे ट्विन्स एल्को लोकोमोटिव हमारे जो एक्सेलरेट करना चालू कर दिया है अब, और तकरीबन हमारी स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर की है और हमें लिमिट गई गई है 100 किलोमीटर की। तो हम लोग 100 तक हमारी ट्रेन को ले जाएंगे और हम इसमें ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे ज़्यादा, एकदम रियल ड्राइवर जैसे चलाता है वैसे ही चलाएंगे स्पीड लिमिट्स पे। 110 तो बिल्कुल क्रॉस नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारी ट्रेन के जो ICF कोचेस हैं तो 110 के ऊपर तो जा नहीं सकते, आप लोग जानते ही होंगे। और आप लोगों को इस ट्रेन के बारे में अगर कुछ आप लोगों को बता दूं तो ये ट्रेन ओखा गुजरात से तमिलनाडु के रामेश्वरम को कनेक्ट करने वाली ट्रेन है, और ये वैसे तो काफ़ी सारे स्टेट चलती है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 5 या 6 स्टेट क्रॉस करती है ये ट्रेन, और 60 आवर्स लेती है, 3192 किलोमीटर का जो रन है। और बाजू से हमारे ट्विन्स एल्को GOC के थे के साथ एक गुड्स ट्रेन क्रॉस कर रही है हमें, तो वो चली गई गुड्स ट्रेन। तो इस ट्रेन की मैं बात कर रहा था आपको, तो 5 या 6 स्टेट क्रॉस करने के बाद जाती है ये, और जैसे मैंने आपको बताया 60 आवर्स लेती है ये ओखा से रामेश्वरम के लिए, और इसका जो बीच में हॉल्ट होते हैं 42 हॉल्ट से शायद, और ये ट्रेन 3192 किलोमीटर चलती है, 60 घंटे कवर करती है। और मैंने जैसे ही आपको शुरुआत में बता दिया था कि रेगुलर लिंक इस ट्रेन का जो है वो इरोड या GOC का WDP 4D या फिर GOC या इरोड का ही WDM 3A या WDG 3A लगता है, और आज मेगा ऑफ लिंक है तो किसी स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी रफ्तार में हमारी 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ी पेशेंस से इंतज़ार कर रही है हमारी ट्रेन का। ये काफ़ी कम रूट्स में ऐसा देखा जाता है कि ट्रेनों वेट करती है, मतलब ट्रेन के लिए ट्रैफिक, तो ये काफ़ी अच्छी बात है।
और आप लोग देख सकते होंगे सीनरी जो अभी बनी नहीं है, फिर भी इतना मस्त ये रूट लग रहा है। जब तैयार हो जाएगा ये तब कैसा लगेगा तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते होंगे। ये हमारा ट्विंस लोकोमोटिव है, आप लोग देख सकते होंगे। उत्कृष्ट और आईसीएफ ब्लू कोचिस का मिक्सचर है हमारी ट्रेन के साथ, और एक लेवल क्रॉसिंग एक और है, आप लोग देख सकते होंगे। और आगे जो हमें सिग्नल्स जो एकदम ग्रीन दिए गए हैं, कट टू क्लियर, एकदम जहाँ देखे वहाँ तक आगे तक, तो वैसे कुछ है तो नहीं कि हमारी ट्रेन को अभी फ़िलहाल स्टॉप का तो कोई लेना देना है ही नहीं मदुराई तक, क्योंकि काफ़ी सारे बीच में स्टेशन आते हैं या दो या तीन जहाँ एक्सप्रेस ट्रेन को हॉल्ट है, लेकिन हमारी ट्रेन वहाँ नहीं रुकेगी। तो देखते हैं आगे क्या देखने को मिलेगा हमें। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर शांत हो जाऊँ और आप लोग ट्रैक साउंड वगैरह एंजॉय कीजिए, तो थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों को मिलता हूँ। यहाँ पर एक कोई स्टेशन आने वाला है और हमारी ट्रेन की जो स्पीड है वो 94 किलोमीटर पर आवर की है। यहाँ पर लोकलाइन देती हुई हमारी ट्रेन, कोई बड़ा स्टेशन लग रहा है जिसे हम यहाँ पर स्किप करने वाले हैं, देख सकते होंगे। नाम स्पीड के कारण मैं पढ़ नहीं पाया, और काफ़ी अच्छा और बड़ा रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है ये, इस टाइप का ये स्टेशन दिखाई दे रहा है। काफ़ी पब्लिक वगैरह भी ऐड किया रखी है कार्तिक अय्यर जी ने, तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। और लोकलाइन वो साइड है, लेकिन हमें वहाँ नहीं, हमारे स्ट्रेट जाना है हमें। तो काफ़ी अच्छी रफ्तार में है हमारी ट्रेन, आगे बढ़ रही है। और ये शायद कोई जंक्शन लग रहा था, क्योंकि जो एक लाइन है वो उधर की ओर चली गई है, पता नहीं वो कहाँ जाती है। और ये स्टेशन का नाम तो मैं पढ़ नहीं पाया, अगर ये साइड से कोई है तो मुझे ये स्टेशन का नाम भी बता दे और ये लाइन कहाँ जाती है ये भी बता दे, है ना। तो पता नहीं, वैसे तो मुझे कुछ ये लाइन का पता है ही नहीं एक तरीके से। तो देखते हैं हम लोग जर्नी करते आगे, एंजॉय। हमारी ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस की एक्टिविटी है जो कि रामेश्वरम तक चलाते हैं। एक अंडर रोड ब्रिज जा रहा है हमारे यहाँ से, और सामने एक लेवल क्रॉसिंग आने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। गाड़ी वगैरह चल रही है बहुत सारी अंडर, ये भी अंडर ही दिखाई दे रहा है, अंडर रोड ब्रिज है ये भी, माफ़ कीजिएगा लेवल क्रॉसिंग नहीं है। तो ये अंडर रोड ब्रिज भी गया है, और हमारा जो डिस्टेंस रह गया है वो काफ़ी 51 किलोमीटर रह गया है, अभी 50 हो गया है, 50.9 मदुराई रेलवे स्टेशन के लिए। तो देखते हैं हम लोग कहाँ तक कवर कर पाएंगे। एक और अंडर रोड ब्रिज आ रहा है शायद, ये एक और आया है, कोई नहीं।
तो चलिए मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ और आप लोग इसका ट्रैक साउंड वगैरह एंजॉय कीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। एक रोड ओवर ब्रिज निकल रहा है, आप लोग देख सकते होंगे काफ़ी सारी गाड़ी वगैरह जा रही है। यहाँ से पैरलर हो रहा है और ऑटो ऊपर गया है, काफ़ी रफ्तार में गया है। और एक रोड ओवर ब्रिज क्रॉस करने के बाद एक और आया है, शायद एक अप के लिए था और ये डाउन के लिए है। तो सिर्फ ट्रैक्स ही नहीं, इसमें भी अप डाउन है, तो अच्छी चीज़ है ये। और हमारी ट्रेन जो है अपनी पूरी रफ्तार में चल रही है, 103 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और देख सकते होंगे आप लोग ग्रीन सिग्नल है आगे पूरा, देखते हैं। तो आप लोग देखते हैं कोई स्टेशन वगैरह आता है तो मैं आपको मिलता हूँ, तब तक के आप थोड़ा एंजॉय कीजिए ट्रैक साउंड वगैरह। देख सकते होंगे सामने से कोई लाइन आ रही है, हमें ज्वाइन करने वाली है ये, शायद पता नहीं कौन सी लाइन है अभी। लेकिन हमारी ट्रेन अभी भी अपनी पूरी रफ्तार में 94 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है और वो लाइन हमें ज्वाइन करने वाली है शायद बहुत जल्द, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, मर्ज होने वाली है। शायद ये मर्ज होगी या नहीं ये तो मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन ये मिलने वाली ज़रूर है हमें, क्योंकि काफ़ी नज़दीक आ चुकी है वो लाइन और इलेक्ट्रिक पोल से मैं पहचाना हूँ। और आप लोग देख सकते होंगे हमारा कर्व भी है और आगे ग्रीन सिग्नल भी है हमारी ट्रेन को, तो काफ़ी अच्छी बात है। और वो ट्रैक जो है आप लोग देख सकते होंगे काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो ये ट्रैक अब बिल्कुल ही नज़दीक आ गया है, मतलब ये अप ट्रैक बन गया है शायद। और यहाँ से एक लाइन हमने छोड़ दी है हमारी ट्रेन ने, अगर उधर कोई ट्रेन जा रही हो या फिर उधर से आ रही हो तो। और इधर देख सकते होंगे आप लोग एक स्टेशन को स्किप करने वाले हैं हम लोग, ये भी अच्छा खासा बड़ा रेलवे स्टेशन दिख रहा है जिसे अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं अपनी पूरी रफ्तार में। 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है हमारी और इस रेलवे स्टेशन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। नाम तो ज़्यादा स्पीड होने की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ होता है तो मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ से मदुराई रेलवे स्टेशन जो है 42 किलोमीटर पर आवर रह गया है, पर आवर बोल रहा हूँ, 42 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। तो देखते हैं हम लोग कितना और कहाँ तक कवर कर पाते हैं।
एक्टिविटी को, नहीं तो फिर हम लोग पार्ट टू तो है ही। और बाजू में ट्रैक अभी भी हमारे साथ कंटिन्यू चल रहा है, मतलब ये हमारा साथ ही चलने वाला ट्रैक बन गया है, अप ट्रैक या फिर डाउन ट्रैक भी कह सकते, हमारा ट्रैक अप है शायद। तो हम लोग जा रहे हैं अप ट्रैक से, तो देखते हैं, मैं थोड़ा शांत होता हूँ, मिलते हैं आगे कहीं अगर कुछ मिलता है तो हमें स्टेशन या फिर क्रॉसिंग वगैरह। तो यार मुझे तुरंत वापस आना पड़ा क्योंकि आप लोग देख सकते होंगे वो बाजू वाला ट्रैक एकदम ग्रेडियंट में जा रहा है और काफ़ी दूर चला गया है। तो देखते हैं हम लोग वो ट्रैक जा कहाँ रहा है। और ये हमारे ट्विंस एल्को, दूसरे वाले एल्को का नंबर है 11212 और सामने फ्रंट पे एल्को का आपको पता ही है 11172 था। तो ये ट्रैक हमारे ट्रैक के ऊपर से जा रहा है। यार ये सीन में कोई ट्रेन देखने को मिल जाती ना तो मज़ा आ जाता है ना। तो चलिए ये सुंदर सा क्रॉसिंग आप देखिए, ट्रैक ओवर ट्रैक। तो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। तो आप लोग देख सकते होंगे ये ट्रैक जो है कहीं गया नहीं है, दूसरे ही डायरेक्शन में ही आ चुका है। वैसे नॉर्मली जो ट्रैक्स होते हैं वो राइट साइड में होते हैं अप साइड वाले और डाउन लेफ्ट में, लेकिन इधर उल्टा ही दिख रहा है। अब डाउन साइड वाला राइट में है और अप साइड वाला डाउन में लेफ्ट में, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई नहीं, अब वो रूट मेकर बेहतर जानता है। उन्होंने इधर का रूट बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा, कुछ देखा होगा उन्होंने, ऐसा रियल में भी ऐसा सीन होगा इसीलिए किया होगा। तो वेस्टर्न WL का यहाँ पर सिंबल लगा था और यहाँ पे एक गुड्स ट्रेन ऊपर से क्रॉस कर गई है। देखिए आप लोग, पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए पता नहीं कौन सा लोको लगा था, वो तो नहीं देख पाया मैं, लेकिन कोई लोकोमोटिव के साथ गुड्स ट्रेन ने हमें क्रॉस किया है यहाँ से। लोग ये देख नहीं पाए, मैं बातों बातों में आपको बताना भूल गया कौन सी ट्रेन थी वो, F7 से चेक कर लेते तो बेहतर होता था, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर कोई ट्रेन दिखती है तो हम लोग उसका करेंगे। और फिलहाल जो है हमारा जो सिग्नल है वो फुल्ली ग्रीन बता रहा है दूर दूर तक, और आप लोग देख सकते होंगे कितना मस्त सीन है ये, एक ट्रैक ऊपर एक ट्रैक नीचे, लेवल क्रॉसिंग, हम लेवल क्रॉसिंग से उसके लिए अंडर रोड क्रॉसिंग। तो ये सीन देखने के लिए बहुत मज़ा आता है और मोस्टली ये घाट सेक्शन वाली जगहों पर देखने को मिलता है, लेकिन ये घाटी एरिया नहीं हुए फिर भी इतना बेहतरीन सीन देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। तो देखते हैं हम लोग, लाइक तो बनता है आप लोग भी जानते हैं, तो जिसने लाइक नहीं किया है अभी तक कर लीजिए। और यहाँ पर एक और सेम टू सेम सीन है, तो ये काफ़ी मज़ा आ रहा है। और वो शायद धीरे धीरे वो ट्रैक अब नीचे आ रहा है और ये उल्टा कॉम्बिनेशन अभी भी कंटिन्यू चलने ही वाला है ऐसा लग रहा है मुझे, तो कंटिन्यू चल रहा है, मतलब चलने ही वाला नहीं है, चल ही रहा है ये उल्टा कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर इतने मस्त तरीके से सिग्नल्स के भी जो पत्थरीला वो बनाया है, जैसे रियलिस्टिक होता है एकदम, पूरा रूट में रियल फील देखने की कोशिश की गई है। और जब सीनरी ऐड हो जाएगी तब कैसा रूट हो जाएगा इसके लिए तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और पेज 3 अगर आपको प्ले करना है, जो फुल्ली एनवायरनमेंट बनाया हुआ है कार्तिकेयर जी ने, तो IRTS उनकी वेबसाइट है, IRMSTS या दोनों में से कोई भी वेबसाइट पर आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और वो ट्रैक काफ़ी नीचे आ गया, आप लोग देख सकते होंगे, लग रहा है हवा में चल रही है क्या, नहीं नहीं है, नहीं वो लग रहा था ऐसा, हम जब कैब में बैठे थे हवा में है सामने वाला ट्रैक, आप लोग को भी दिखा होगा। और ये हमारे ट्विंस एल्को लोकोमोटिव,
एक नई टेक्नोलॉजी वाला और एक पुरानी टेक्नोलॉजी, दोनों ही WDM 3D है और काफ़ी सक्सेसफुल लोको शेड रहा है इंडियन रेलवेज के लोको शेड में, और वेस्टर्न रेलवेज का डीजल लोको शेड है ये, तो काफ़ी बेहतरीन है। और ट्विन्स एल्को लोकोमोटिव लगे हुए हमारी ट्रेन को देख सकते होंगे। फिर से वो जो ट्रैक है वो ऊंचाई पर चला गया है, पता नहीं कब इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा या मदुराई तक ऐसे ही रहेगा, इसका तो मुझे पता नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिफाइड रूट है ये डिंडीगुल से, शायद मदुराई के बाद हमें डीजल सेक्शन देखने को मिले, क्योंकि मदुराई के बाद रामेश्वरम वाली लाइन ले लेंगे हम, तो वहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है डीजल सेक्शन। तो उम्मीद करूँगा मैं डीजल सेक्शन हमें देखने को मिले मदुराई के बाद। और पंबान ब्रिज भी देखना है हमें, लोग देख सकते होंगे ट्रैक एकदम नीचे आ चुका है, लेवल पे, ऑलमोस्ट लेवल पे आ चुका है हमारे, शायद कोई स्टेशन आने वाला होगा ऐसा लग रहा है मुझे, तो ही ट्रैक इतने नीचे आया होगा। और सिग्नल तो हमें बिल्कुल भी स्लो करने के लिए नहीं बोल रहा है, ट्रैक फिर ऊपर चले गया यार, तो इसका मतलब यही है कि स्टेशन तो है। ये देखिए ये सिग्नल बता रहा है कोई स्टेशन है, जो लोक लाइन्स मांग रहा है, और वो ट्रैक्स भी एकदम से नीचे आ गया। तो यही तो है हमारा इंडियन रेलवे, काफ़ी बेहतरीन लेवल क्रॉसिंग था ये। और यहाँ पर एक स्टेशन को हम क्रॉस कर रहे हैं, आप लोग देख सकते होंगे, बहुत ही मस्त और रियलिस्टिक रेलवे स्टेशन बनाया है ये, देख सकते होंगे आप लोग, और ट्रैक भी एकदम रियल है। और साउथ में नॉर्मली इस टाइप के ट्रैक्स बनाए जाते हैं इंडियन रेलवेज में, तो ये अच्छा लगता है। ये साइड प्लेटफॉर्म में है, यही साइड है, देख सकते होंगे आप लोग, और ये लोक लाइनें अंदर आ गई। और यहाँ पे लेवल क्रॉस, ये एक छोटा सा रिवर वाला ब्रिज था, और सामने से एक एल्को लोकोमोटिव के साथ एक ट्रेन आ रही है, एक्सप्रेस ट्रेन, GOC का एल्को लगा था, WDM 3A, वो भी अपनी पूरी रफ्तार में जा रही है, शायद वो भी स्किप करने वाली है जो स्टेशन है नेक्स्ट, और हमने तो ऑलरेडी स्किप कर दिया है। और हमारा जो ये वीडियो है वो ऑलरेडी आप लोग देख सकते होंगे आधे एक घंटे का तो हो ही गया है। तो यार मदुराई तक हम जाना तो पार्ट 2 में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा आ चुका है वीडियो, हो चुका है मतलब काफ़ी आधे घंटे का हो चुका है, और आप लोग देखते नहीं हो इतना लंबा, वो मैं जानता हूँ, तो मैं भी बेफालतू में वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता। तो ऑलरेडी हम कोई स्टेशन वगैरह आता है आगे, तो उसको स्किप करेंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। स्टेशन आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमें ऑरेंज सिग्नल दिया गया है, तो आई थिंक हमें थोड़ी देर अगर रुकाया भी जाता है तो वहाँ से हम लोग कर देंगे इस वीडियो को एंड पार्ट 2 के लिए। और अगर हमें नहीं रुकाया जाता है तो फिर बात ही नहीं है, तो हम लोग फिर सीधा पार्ट 2 में मिलेंगे। और ये ट्रैक अभी भी ऊपर ही है यार, हमें ऊपर वाले ट्रैक में जाना चाहिए था, है ना यार, ये रामेश्वरम ओखा की एक्टिविटी होनी चाहिए, जब इसका एनवायरनमेंट बन जाएगा ना तब हम ज़रूर से डाउन वाली लाइन से आने वाली ट्रेन का एक्ट खेलेंगे। यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त रेलवे स्टेशन को हम मस्त तरीके से स्किप कर रहे हैं ऊपर नीचे ग्रेडियंट में, और बस ये स्टेशन स्किप करते ही हम वीडियो को ख़त्म कर देंगे। ये स्टेशन हो गया स्किप, तो हम लोग मिलते हैं इस ट्रेन के पार्ट 2 में, जहाँ में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, ओवरटेक्स वगैरह है, काफ़ी कुछ है, सिंगल लाइन, पंबान ब्रिज, मदुराई रेलवे स्टेशन, तो वो सब देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब नहीं आ गया तो कर लीजिए इसी ट्रेन के पार्ट 2 के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।